ब्रेकिंग, सीएम योगी रक्षाबंधन पर महिलाओं को देंगे यह बड़ा तोहफा। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा देने वाले हैं। लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की महिलाओं को रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा देने वाले हैं। रक्षाबंधन से पहले प्रदेश में महिलाओं के लिए पिंक बस चलाने की तैयारी पर काम होगा। परिवहन विभाग की तरफ से 50 नई पिंक बसें चलाने की तैयारी में है। पिंक बस केवल महिलाओं के लिए चलाई जाएंगी। लड़कियां औरतें आने घर सुरक्षित पहुंच सके इसके लिए यह योजना है। लड़कियों को सुरक्षित यात्रा का मौका देने के लिए पिंक बस चलाई जा रही। रोडवेज बसों को आने वाले दिनों में अत्याधुनिक मशीनरी से लैस किया जाएगा। बसों में सीसीटीवी कैमरों के साथ ही जीपीएस पैनिक बटन लगा होगा। नई पिंक बसों की खरीदारी के लिए रोडवेज कुल 83 करोड़ रुपए खर्च करेगा। यूपी की महिलाओं की सुरक्षा करेगा अधिशक्ति ग्रुप। महिलाओं की सुरक्षा अधिशक्ति ग्रुप करेगा। महिला यात्री की सुरक्षा की आवश्यकता के मुताबिक अधिशक्ति ग्रुप उन्हें सुरक्षित रखेगी। इस ग्रुप में 400 महिलाएं शामिल होंगी, जिनमें रोडवेज में तैनात 300 महिला कंडक्टर और 100 महिला अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगी। ये सभी इन 50 पिंक बसों की पल-पल मॉनिटरिंग करेंगी। बस स्टेशनों पर आदिशक्ति ग्रुप के लिए लेडीज वोटिंग रूम भी बनाया जाएगा। माय सेफ बस के नाम से सूचना विभाग को इसके प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सूचना विभाग के माध्यम से इसके लिए अभियान चलाया जाएगा।